पहले रेवंत रेड्डी आरएसएस के निकाबे थे तो बराबर है, जब आरएसएस थे होंगे, अब कांग्रेस के निकाबे हैं तो कभी भी जिसके निकामे हैं उसकी बात करो, पिछली बात ना को करो मेरी जान, खुली बात। सो वो टाइम पे रेवंत रेड्डी कैसा है बोलतो, सुपरस्टार है, जो उसको दिए स्क्रिप्ट उसमें उन्हें बाजी मारता, उसको बाजीराव मस्तानी दो, वीर जारा दो, तुम मुगले आजम दो, दीवार दो, छोड़ देता हमारा रेवंत रेड्डी। तो वो टाइम के ऊपर आरएसएस में था, वहां पे ईमानदारी करा, मगर वापिस आया, आके आपका उसका वीडियो देखो, जब उन्हें राहुल गांधी को बोला, सोनिया को बोला, प्रियंका गांधी को बोला, मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी में था, मैं गलत था, आपके पास आगे बाद मेरे को समझ में आ गया, मैं आरएसएस में था, वो तलाक था, अब मैं सेक्युलरिज्म में आ गया, कांग्रेस में आ गया, अब मैं समंदर में हूं, अब मेरे को सुकून है, मैं गलती कर दिया बोल के बोल दिया ना मेरी जान उन्हें। तो मैंने बात नाम को लिए डिवीजन तो मैंने रखी पे कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह है, क्या मैंने रखी लोहा कांग्रेस छोड़ दे रहे, पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल पर्सनल, अगर से कांग्रेस से मोहब्बत है जो माइनॉरिटी के साधु का खेल। सुनिए आप, जब आप बीआरएस में जा रहे हैं हमारे भाई, तो आप उतनी तो बात बोलना है, अगर से इल्जाम नहीं देंगे तो कैसा मेरी जान। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ पूरे मेरे चैनल वालों को, जब भी पार्टी छोड़ के जाते मामला मियां बीवी का हो जाता, मियां बीवी रहे जब मिलके वो जबरदस्त रहते, जैसा कुछ गड़बड़ होके डिवोर्स का मामला आता तो कभी आप कंट्रोल रूम को चलो आप तो इतने जने गए, हाँ बीवी मियां को गिनते रहती, मियां बीवी को गिनते रहता, तो उसके लिए वो छोड़ के जाने वालों की बात को करो, आके क्या करेंगे वो बात करो आप मेरे से।